चलेगा। नहीं, बड़े नेता अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने बूथ स्तर पे जो है अपनी कार्रवाई करेंगे और एक भी वोट का बेईमानी नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात तो यूं है, अधिकारियों ने हमें हराया है, कहीं 150 वोटों से हारे, कहीं 300 वोटों से, केवल प्रशासन ने हमें हराया है। हम ना अब हारे और ना आगे, इससे ज्यादा सांसद मिलेंगे वही देश का प्रधानमंत्री होएगा। हम सब एक हैं, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, अखिलेश यादव हो, जो भी हो, घर की बात कर रहे हो, परसों ही कुल उनके ही क्षेत्र वालों ने राजभर को वहां नहीं बढ़न दिया, केवल इस वजह से अब तुमने जो है भाजपा को वोट क्यों दी। समाजवादी पार्टी का राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन के जरिए कोशिश हो रही है कि 2024 में अपनी ताकत को समाजवादी पार्टी बढ़ा सके और इस बढ़ी हुई ताकत के साथ देश की राजनीति में बदलाव कर सके। ये समाजवादी पार्टी की कोशिश है और इसी कोशिश के तहत बताया गया कि नीतीश कुमार से भी अखिलेश यादव की दोस्ती हो रही है, नजदीकियां बढ़ रही हैं। आज राज्य स्तरीय सम्मेलन हो रहा है, गुरुमंत्र लेकर के तमाम लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन्हीं से जानेंगे। सर, आप अपना नाम बता दिए। सूर्य भान यादव। 2024 में नीतीश कुमार से दोस्ती हो रही है, लगता है ये दोस्ती कुछ चमत्कार कर पाएगी? जरूर चमत्कार करेगी, चमत्कार जरूर लाएगी। आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, 2024 की रणनीति हो रही है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2024 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का कार्यक्रम किया जाएगा और आज ही से संकल्प लिया जाएगा कि 2024 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की सरकार बने। 2024 में नीतीश कुमार से दोस्ती की जा रही है 2024 के लिए, लगता है कि ये दोस्ती, क्योंकि समाजवादी पार्टी की दोस्ती फलीभूत नहीं होती है। आपकी दोस्ती कांग्रेस से हुई, आपकी दोस्ती बसपा से हुई, आपकी दोस्ती जिससे हुई, ओम प्रकाश राजभर से तक आपकी दोस्ती फलीभूत नहीं हुई, तो ये दोस्ती कुछ गुल खिलाएगी कि दोस्ती भी अदावत में बदल जाएगी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया उसका परिणाम अच्छा रहा, सरकार बने न बने वो अलग की बात है, लेकिन वोट का परसेंटेज बहुत बड़ा है। और इस बार भी जो गठबंधन है 2024 का, जो होने वाला है हम लोग के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा, माननीय अखिलेश यादव जी भाजपा का 2024 में सफड़ा साफ करेंगे और गठबंधन की सरकार बनाकर दिल्ली पर राज करेंगे। दिल्ली पर राज कर पाएंगे नीतीश कुमार के साथ? दिल्ली पर राज करेंगे हम। दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से गुजरता है और माननीय अखिलेश जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो गठबंधन बना रहे हैं उसका रास्ता ही यूपी और बिहार से निकलता है और दिल्ली की सरकार को हम उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। आने वाला कल गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन 2024 में आपके सामने जिस पार्टी के की चुनौती है बीजेपी, उसके सामने मोदी है और आपके पास आप ही के लोग छोड़ करके जा रहे हैं। चाचा आपको अलग चुनौती दे रहे हैं कि 2024 में सबक सिखा देंगे, वो यादवों का एक जागरण मंच चला रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी, तो 2024 कितना आसान है? नीतीश कुमार की दोस्ती कितना आप लोगों को लाभ दे पाएगी? 2024 में हम नौजवान के भरोसे, किसान के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी में लोग आते हैं जाते हैं, आने जाने से कोई मतलब नहीं है। 2022 का चुनाव, जो 24 का चुनाव हम लड़ेंगे, अपने नौजवानों के बल पर लड़ेंगे, किसानों को लड़ेंगे, छात्रों के बल पर लड़ेंगे और 2024 में पूरे प्रदेश, देश के छात्र, नौजवान, किसान समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ है। आपका क्या नाम है चाचा? कहाँ से आए हैं? बागपत से। बागपत से। ये बताइए कि बागपत में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, 2024 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ बीजेपी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी कुछ कर पाएगी, क्योंकि 2022 में तो कुछ नहीं कर पाई? सबसे बड़ी बात तो यूं है, अधिकारियों ने हमें हराया है, कहीं 150 वोटों से हारे, कहीं 300 वोटों से, केवल प्रशासन ने हमें हराया है। हम ना अब हारे और ना आगे हारे, आगे इस लड़ाई को, जो बेईमानी की लड़ाई है, इसे खत्म करने के लिए कार्यकर्ता तैयार है। तो कैसे तैयार है, क्योंकि आपके बड़े नेता तो छोड़ के चले गए? नहीं, बड़े नेता अब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अपने बूथ स्तर पे जो है अपनी कार्रवाई करेंगे और एक भी वोट का बेईमानी नहीं होने देंगे, चाहे प्रशासन या खुद मोदी वहां चला जाए, हम होने नहीं देंगे और 100% हम जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप तो कर रहे हैं, लेकिन एक नारा भी बड़ा चल रहा है कि अखिलेश यादव और नीतीश कुमार साथ आएंगे तो दिल्ली की सरकार का सफाया करेंगे। भाई साहब, उसमें हम कह चुके हैं जिसे ज्यादा सांसद मिलेंगे वही देश का प्रधानमंत्री होएगा। हम सब एक हैं, मायावती हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो,
अखिलेश यादव हो, जो भी हो, जिसे भी ज्यादा सांसद मिलेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। मायावती आपके साथ हैं? बिल्कुल आएगी, जा नहीं सकती, जाके देखेगी तो फिर आगे बिल्कुल खत्म हो जाए। खत्म तो अब है क्योंकि पहले गठबंधन तोड़ा, अगर आगे भी तोड़ेगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, उसका पता ही नहीं चला कहाँ गई। और जो बाकी लोग हैं जो आपके विरोध में चले गए हैं, वो लोग भी तो आपका वोट नुकसान नहीं करेंगे? विरोध में चले गए, अब जैसे राजभर की बात कर रहे हो, परसों ही कुल उनके ही क्षेत्र वालों ने राजभर को वहां नहीं बढ़न दिया, केवल इस वजह से अब तुमने जो है भाजपा को वोट क्यों दी। और भी लोगों से? अच्छा हाँ, मऊ से है, क्या नाम है सर आपका? मुन्ना यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मऊ। ये बताइए कि मऊ से आप हैं और वहाँ पर तो ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे थे कि उन्हीं के दम पे समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, थोड़ा सा परसेंटेज उनकी वजह से बढ़ा, लेकिन वह परसेंटेज पार्टी के कार्यकर्ताओं वर्करों की मेहनत से बढ़ा है। उनके आने न आने से कोई बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। पूर्वांचल में चुनाव इसके पहले भी हुए हैं, फिर होंगे और 24 में भी होंगे, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। नीतीश कुमार की दोस्ती कुछ असर करेगी? क्योंकि दोस्तियां आपकी दुश्मनी में बदल जाती हैं बाद में। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, राजनीति में संभावनाओं का खेल होता है राजनीति, और राजनीति में कोई दुश्मन और कोई दोस्त नहीं होता है। नीतीश जी और अखिलेश जी दोनों उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, और यहीं से बिहार और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है, तो निश्चित रूप से मोदी जी का यहीं से हम लोग रोकने का काम करेंगे। और दोस्ती के नाम पे करेंगे कि जनता के बीच में मुद्दे भी हैं? अति बैकवर्ड पिछड़ों, दलितों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के बल पर करेंगे, वोट के बल पर करेंगे, न कि दोस्ती के बल पर करेंगे। गठबंधन हुआ है, थोड़ा सा वोटों का ध्रुवीकरण ना हो, छोटे छोटे दलों में वोट बटे ना, इसलिए गठबंधन करके इकट्ठा किया जाता है उसको, और कोई गठबंधन का बहुत मतलब नहीं होता है। हमारा बेस वोट है, आप परसेंटेज देख लीजिए, विधानसभा में हम 111 सीट जीते हैं। बेस वोट की बात करी तो कहा जा रहा है कि अब मुस्लिम और यादव बीते जमाने की बात हो गई है समाजवादी पार्टी। बैकवर्ड भी है, मुस्लिम और यादव में केवल बात मत दीजिए आप, समाजवादी का वोट केवल मुस्लिम और यादव का नहीं है, इसमें बैकवर्ड भी है, अति बैकवर्ड भी है, दलित भी है, और सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, सबका मिलजुल का वोट परसेंटेज वोट है। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हैं? मऊ जनपद से। अच्छा एक चीज ये बताइए कि नीतीश कुमार की दोस्ती पे तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप लोग बीजेपी जैसे बड़ा संगठन आपके सामने, बड़ी पार्टी आपके सामने है, और आपके अपनी पार्टी के अंदर जो लोग कल आए वो छोड़ करके चले गए, तो और आपका जो बेस वोट जो कहा जाता था मुस्लिम और यादव कहा जा रहा है वो बीते जमाने की बात हो गई है, तो अभी इस बेस वोट को कैसे मजबूत और इजाफा कैसे करेंगे? 111 विधायक हैं समाजवादी पार्टी का, वहाँ का जातीय समीकरण देख लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि केवल यादव और माइनॉरिटी की बात है, यादव और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ जातीय समीकरण देखिए, अगर यादव और माइनॉरिटी के बल पे केवल 111 विधायक हैं, और आने वाले वक्त में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पूरे हिंदुस्तान की, बिहार और यूपी को इस तरह के ये कार्यक्रम हो रहा है कि यहाँ 120 सीट है, ये 120 सीट में कहाँ जीतेंगे, कैसे दिल्ली पहुंचेंगे? यही नहीं, आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, अब अन्य प्रदेशों को देख लीजिए, इनको रोकने के लिए हमारे अलायंस और खासकर के विपक्षी इतने मुद्दे हैं, उसके इतने भरमार हैं, किसका जवाब देंगे? विपक्षी सब लोग एक हो पाएंगे तो लगता है कि इस बार मोदी को रोक पाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल रोक पाएंगे। नीतीश कुमार से दोस्ती कितनी फलीभूत हो? 100% प्लस जाएगी। एक आखिरी सवाल यह है कि क्या मुस्लिम और यादव जो एक वोट बैंक होता था वो क्या अब बीते जमाने की बात हो गई है? क्योंकि तमाम लोग कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट होता था वो खिसक चुका है। नहीं, समाजवादी पार्टी का बेस वोट खिसका नहीं है, समाजवादी पार्टी का जो भी बेस वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, और समाजवादी पार्टी के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, अभी हम लोग सदस्यता अभियान चला रहे थे, हर समाज को जोड़े हैं समाजवादी पार्टी, गांव में जाकर हर समाज के लोगों को जोड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया हम लोग, और आज हमारा सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हम लोग बताए हैं कि हमारे समाज, हमारे पार्टी के साथ सारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं, और सारे समाज के लोग जुड़कर समाजवादी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, और जो मोदी जी थे माननीय
जो 2024 में आने के लिए कह रहे हैं नौजवानों के साथ छल किए, कहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों को कहे कि मैं तुम्हारी आय दुना कर दूंगा, और फिर से कहे कि सबको मैं 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा, और जनता ने 15 लाख का इंतजार किया, नौजवानों ने रोजगार के 2 करोड़ रोजगार देखा और अपनी आय बढ़ाने के लिए देखे, मगर अब सब झूठ का पर्दा खुल चुका है। अब हम सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। ये वो पार्टी कार्यकर्ता हैं जो राज्य स्तरीय सम्मेलन से बाहर निकले हैं, उत्साह से लबरेज, उम्मीदों से लबरेज, भरोसा कि 2024 में सिर्फ अखिलेश यादव ही इस देश की राजनीति में बदलाव लाएंगे। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।